ये तो होना ही था। मुकाबला करके कौन शादी जैसे आम तरीन फैसले करता है? चुगताई के पास और कोई तरीका तो बचा ही नहीं था, और तुम तो हिटलर की तरह अपने फैसले पर डट जाती, और वो बेचारा तुम्हारी इज्जत करता है, वो तुमसे लड़ तो नहीं सकता था। इसी की कमी रह गई थी कि आप मुझे हिटलर का खिताब दे दें। अच्छा किया, दे दिया। अम्मा अब्बा के बाद इस खानदान को मैंने ही संभाला है, कोई गलती नहीं की। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या गलत किया है। ठीक है, आप कहते हैं तो की होगी गलती, लेकिन अपने खानदान की बेहतरी के लिए की। मुझे नहीं समझ में आते ये फिल्म वाले तो नहीं आते। आपने इंस्टाग्राम उठाकर देखा, किस किस की किस किस से शादी हो रही है, किस किस की किस किस से तलाक हो रही है। एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो अच्छी बहू बनी, घर बसाया अपना। बसे बसाए घर तोड़कर एक्टिंग करने को जा रही हैं लड़कियां। एक बात बताऊं, तुम आला दर्जे की फजूल बातें करने लगी हो। मुझे तो कभी कभार लगता है कि तुमने फजूल सोचों का कैप्सूल निगल लिया। और मुझे ये लगता है कि इस घर के हर फर्द की अकल खास चलने चली गई है। मुझे तो चाहिए एहसान साहब के घर जाऊं, उनसे पूछूं कि अब क्यों नहीं निकाली उन्होंने बंदूक। अरे चलाते ना गोली अपनी चहेती सनम पर। नहीं नहीं, ऐसा किया तो तुम एक और गलती कर बैठोगी, मत करना। क्यों क्यों ना करूंगी? उन्होंने सोचा था मेरे बच्चे पे जब किसी ने बंदूक तानी थी, किसी ने सोचा था? अरे वो औरत मेरे भाई को बरगला कर भागा कर ले गई, और मैं कुछ ना करूं? मुझे तो चाहिए मैं ईंट से ईंट बजा दूं। याद रखो, रोहान जीत चुका है। बाढ़ में गया ये गेम, बाढ़ में गई जीत, बाढ़ में गई ये शादियां। मुझे तो बस मेरे भाई की फिक्र हो रही है, पता नहीं कहां लेकर गई होगी उसको, क्या सलूक कर रही होगी उसके साथ। मैं भी जाऊं बाढ़ में? सी आपकी मर्जी है।